हाय दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं हम इस वीडियो पे। और अभी हम खड़े हुए हैं हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के पास, और ब्रह्मकुंड का दृश्य आज हम आपको दिखाएंगे और पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार यात्रा जोड़ी, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं भीमगुड़ा की ओर से। देख रहे हैं भीमगुड़ा की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या कितनी आ रही है, और यहाँ पे अरे श्रद्धालु वहीं रुकते हैं जिनके पास कार हो, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, क्योंकि अपर रोड मार्केट में टू व्हीलर या फोर व्हीलर रखने की जगह नहीं होती है, केवल आपको रुकने की सुविधा मिल पाता है। देख रहे हैं ये सारे जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ हैं भीमगुड़ा के लिए, तो आप भीमगुड़ा के लिए जा सकते हैं। देख रहे हैं दुकान यहाँ पे सजे हुए हैं, और अभी हम प्रवेश कर रहे हैं घाट पे। ये देख रहे हैं प्रमुख घाट हर की पैड़ी का दृश्य, यहाँ से पूरा हर की पैड़ी आप देख सकते हैं, और श्रद्धालु की संख्या कितना है और जल की धारा कितनी है यहाँ से स्पष्ट आपको नज़र आएगी। देख रहे हैं सारे लोग गहरे जल पे जाके स्नान कर रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है हरिद्वार में, और भीड़ आपको आप पूरे हफ्ते देखने को मिलेगा, पूरे महीने देखने को मिलेगा। चलते हैं नीचे, नीचे का दृश्य दिखाएंगे। जब आप हरिद्वार आते हैं और आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो आप गर्म कपड़े तो आप बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा ज़रूरत, क्योंकि अब काफ़ी तेज़ धूप हो चुका है, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है, और जब भी आप आते हैं तो आपको एक छाता की ज़रूरत ज़रूर होगी अगर छोटे बच्चे आपके साथ हैं तो। चल रहे नीचे की ओर, नीचे का दृश्य दिखाते हैं। जब आप हरिद्वार आएंगे तो आपको रूम की बुकिंग एडवांस, अगर हर की पैड़ी के पास रुकना है तो आप बुकिंग पहले करा के आए। देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य, ये देख रहे हैं जूता स्टॉल यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं गंगा स्नान कर रहे हैं लोगों की संख्या, काफ़ी दूर दूर से आते हैं पैदा पावनी माँ गंगा में डुबकी लगाने, आशीर्वाद लेने। और आप देख रहे हैं कुछ जगह तो आपको काफ़ी गहरे जल में उतरे हुए लोग नज़र आएंगे। देख रहे हैं सावधानीपूर्वक स्नान करें आप यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे ये जो जंजीर है उसे पकड़ के झूल रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ से छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऊपर ब्रिज से छलांग लगाते हैं। अभी जल की धारा इतनी कम है कि ब्रिज से छलांग नहीं लगा पाएंगे और चोट आपको लग सकती है। और देख रहे हैं यहाँ पे सीने इतना जल है, तो कहीं पे गहराई है तो कहीं पे गहराई नहीं है, जहाँ पे गहराई है वहाँ पे गति आप देख रहे हैं जल की इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और यहाँ पे देख रहे हैं गहराई नहीं है। अभी जो कार की पार्किंग है वो फुल नज़र आएगा, और ख़ासतौर पर आप हरिद्वार आते हैं तो आपको ऋषिकेश का भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको ऋषिकेश में भी काफ़ी ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ख़ासतौर पर श्रद्धालु ऋषिकेश और हरिद्वार की प्लानिंग करते हैं, और ऋषिकेश कहा जाए तो सबसे नज़दीकी हिल स्टेशन है जहाँ पर लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा आती है, और ऋषिकेश में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे तो वहाँ पर रविवार शनिवार को भीड़ हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन अभी सब सीजन है गर्मियों की, इसमें ख़ास तौर पर भीड़ देखने को मिलेगा। एक जूता स्टॉल एक यहाँ पे है। ऐसे हम तो आपको पूरी जानकारी देते ही रहते हैं हरिद्वार यात्रा की जुड़ी, तो जब भी आए और तो आप ये दृश्य देख सकते हैं। ये भाई साहब स्नान लगाने की तैयारी में पूरी तरह से, देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, और लोगों की संख्या वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। ये देख रहे हैं आप, भी अब हरिद्वार आते हैं तो अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करते हैं ब्रह्मकुंड वाले एरिया में, और यहाँ पे चेंजिंग रूम की कमी थोड़ी है महिलाओं और माताओं के लिए, क्योंकि केवल 6 से 7 चेंजिंग रूम है
और पूरे घाट उसी चेंजिंग रूम में चेंज करेंगी। और इधर आके हम बात करें तो इधर काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए देख रहे हैं, क्रमशः ये चेंजिंग रूम बने हुए नज़र आ रहे होंगे, तो चमकते हुए स्टील के नज़र आएंगे सारे चेंजिंग रूम में। ये मालवी घाट है और इधर जैसे दल स्नान करते हैं वो उधर जाके चेंज कर लेते हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या पूरे हर की पैड़ी में डुबकी लगा रही है, चारों ओर का दृश्य भीड़ वाला देखने को मिल रहा है। ये है ब्रह्मकुंड जहाँ पे लोगों की संख्या देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है। यहीं पे ही अमृत के बूंद गिरे थे और यहाँ पे स्नान करना सबसे अच्छा माना जाता है। देख रहे हैं यही ब्रह्मकुंड है। और यहाँ पे प्रमुख मंदिर है जो कि हमने वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे आप लोगों को इन्फॉर्म किए हैं, दर्शन कराए हैं माता रानी का। और आप देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य। देख रहे हैं इधर से कितने लोग आ रहे हैं। ये पंजी पार्किंग जाने का मार्ग है, उसे हरियाणा टापू के नाम से भी जानते हैं। देख रहे हैं पूरे घाट, ये मालवी घाट है सबसे बड़ा घाट। देख रहे हैं भीड़, कुछ लोग छाँव में यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। छाँव इसका एलईडी क्या है, ऐसे हर की पैड़ी में छाँव की भी अभाव है। भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति देख रहे हैं आप। ये मालवी घाट, पूरे घाट फूल हो रखे हैं। मार्केट में भी रिश्ता मिल रहा है जाम का, और ट्रैफिक जाम तो अलग ही है। और ख़ास तौर पर आपको नज़र आएगा यहाँ पे पार्किंग का जाम वाला दृश्य। देख रहे हैं पूरे घाटों पे किस तरह के लोग पन्नी बिछा बिछा के बैठे हुए हैं। देख रहे हैं पूरे घाटों का दृश्य। हर हर महादेव। देख रहे हैं इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी ना करें, चोट लग जाएगी।